हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसटी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10th का अध्याय 4 दूसरा समीकरण कराने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आज कराने जा रहे हैं गुणनखंड विधि। ए दिया है हमें 1, बी दिया है -3 और सी दिया है -10। एसी का गुणा करना है। बराबर -10 और बी बराबर दिया है -3। तीन को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ना घटाना पे -3 है और गुणा करने पे -10। एक्स स्क्वायर -5 -2, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3 और 5 5 10 -10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -5 का गुणा एक्स में 5x प्लस 2 का एक्स में 2x -10 बराबर 0। इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक, इन दोनों में से एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर लेंगे, इधर बचेगा एक्स और इधर 5। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इधर बचेगा एक्स, इधर बचेगा -5 बराबर 0। एक पर जी है और जी इन दोनों में एक्स -5 एक सा दिख रहा है तो एक्स -5 को बाहर ले लेंगे, इधर बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स -5 बराबर 0, एक्स बराबर 5 माइनस में आ जाएगा प्लस 5, ऐसे ही एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 2 प्लस में आ जाएगा माइनस, 2 का मान 1 आया -2 और 1 आया 5। गुणनखंड विधि में ए को अलग से लिख लेती हूँ, बी को और सी को भी। फिर ए और सी का गुणा करती है और बी को इस प्रकार तोड़ती है, गुणा करने पर एक जी आए और जो नंताना पे वो खुद। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।